स्वास्थ्य विभाग की रोहतक और झज्जर की संयुक्त टीम ने बीती रात दादरी शहर में एक लैब पर छापे मार कार्रवाई करते हुए भ्रूण लिंग जांच करवाने के एवज में रुपए ऐंठने वाले दो आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी लिंग जांच करवाने की बजाय सामान्य अल्ट्रासाउंड ही करते थे और इसी रिपोर्ट पर ही लड़का या लड़की होने की बात कह देते थे। जांच के नाम पर ये प्रति केस 35,000 रुपए ऐंठते थे। टीम को आरोपियों से 19,000 रुपए भी बरामद हुए। टीम की शिकायत के आधार पर सिटी पुलिस ने केस दर्ज किया। वहीं जांच में सामने आया कि आरोपी फेसबुक पर भ्रूण जांच की डिटेल रखते थे। सिविल सर्जन सर थे, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका भ्रूण लिंग जांच किया जाता है और वो झज्जर में भी हो सकता है जबकि दादर में। तो हमारी संयुक्त टीम ने कॉन्टैक्ट किया इन्फॉर्मर से और उसके बाद एक डिकोए को तैयार किया एक प्रेगनेंट लेडी को और 35,000 रुपये में जो सौदा तय हुआ था। फिर झज्जर में आज बुलाया था सुबह, उन्होंने 35,000 रुपये हमने दे दिए थे हमारी टीम ने और उसके बाद झज्जर से वो दादरी लेके आई हमारी डिकोए पेशेंट को और दादरी इस अस्पताल में लेके आई और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड उन्होंने नॉर्मल करवाया जिसमें सारी जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी फॉर्म एफ वगैरह सारे कागजात पे पूरे अच्छे से साइन वगैरह सब कुछ हुआ और बाहर आके अल्ट्रासाउंड नॉर्मल करवा के बता दिया कि लड़का है। अभी तक जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके अनुसार जो ये दो डाउट तो थे झज्जर और दो डाउट हैं इधर के, वहाँ का एक विजय जोन दिगर के एक लड़का है, यहाँ पे एक धर्मेंद्र और सुनील है, ये तीन लोग ये हैं और एक उनके साथ और इन्वॉल्व है उसका नाम अभी पता नहीं है। तो इन चारों ने मिलके एक नेक्सस ऐसा बनाया कि पैसे ले लीजिए और किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाइए और बता दीजिए लड़का या लड़की। 100 के करीब अल्ट्रासाउंड इन्होंने करवाए हैं। एक इसने अपनी आईडी बना रखी है फेसबुक पे, उस आईडी के अंदर इसने अपना पूरा बही खाता कि किस पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड करवाया है और कहाँ करवाया इस तरीके का, कितने पैसे लिए, किस दिन कितने लिए, उसकी डिटेल है, उसको भी देख रहे हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद 19,000 की रिकवरी हुई है साउट से धर्मेंद्र से। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।